शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करता है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश मेड इजी विद खान। आई एम कुदरतुल्लाह खान। You are watching English Made Easy with Khan. Positive phrase. An appositive is a noun or pronoun that renames another noun or pronoun in some way. Agar hum do jumlon ko wazahati alfaz ke zariye milayein to isko appositive phrase kehte hain. Let's take example. The newspaper The New York Times first appeared in 1850s. Ab the newspaper lafz to akhbar wo naam na gaya लेकिन उसी नाउन के मीनिंग में वजाहत बता दी कि वो अखबार कौन सी। उसी नाउन को मजीद तशरीही अल्फाज या वो जो वजाहती अल्फाज होते हैं वो अपॉजिटिव फ्रेज कहलाते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं अब उसको बताने के लिए आगे जो हम मजीद कुछ लफ्ज लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं अपॉजिटिव फ्रेज। जैसा कि द न्यूज पेपर द न्यूयॉर्क टाइम, न्यूज़पेपर कौन सा, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये क्या कहलाएगा, ए पॉजिटिव फ्रेज। द न्यूयॉर्क टाइम्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द 1850s। कायद आजम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वॉज बोर्न इन कराची। कायद आजम के मीनिंग मजीद तशरीह किस अल्फाज ने की, वजाहत किस अल्फाज ने, किन अल्फाज ने की, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान क्या कहलाएगा, ए पॉजिटिव फ्रेज। कायद आजम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वॉज बोर्न इन कराची। मिस्टर अदील माई स्टूडेंट is very hard working. Mr. Adil, mera student. Mr. Adil ke meaning mein kisne izafa kiya, my student ne, usne mazid wazahat kar di ke Mr. Adil kaun hai bhai, Mr. Adil mera student. Is very hard working, bada. Mr. Adil my student is very hard working. Mr. Adil mera student is very hard working, bada mehnati hai. To Mr. Adil इसके मीनिंग में माय स्टूडेंट इजाफा कर रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो अ ब्रेव वॉरियर स्टूड विक्टोरियस इन बैटल्स। हजरत अली के मीनिंग में किसने इजाफा किया, किसने वजाहत कर दी, अ ब्रेव वॉरियर। अ ब्रेव वॉरियर क्या है, अ पॉजिटिव फ्रेज। तो ये था आज का लेक्चर, अ पॉजिटिव फ्रेज। डियर व्यूअर्स, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू क्वेंच योर थर्स्ट ऑफ ग्रामर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन Go to the comment section and comment, subscribe our channel and also tap the bell icon so you may stay updated.